प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1967। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 27/12/1967 वॉज बीइंग नरेटेड। बुधवार को नौवें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि द्वापर के अंत में अब व्यभिचारी भक्ति शुरुआत में। ऑन वेंसडे वी वर डिस्कसिंग द लास्ट लाइन ऑफ द नाइन्थ पेज, देर इज अनअडल्ट्रेटेड भक्ति इन द बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज। तो वो अब व्यभिचारी भक्ति किसने शुरू की? सो हु बिगेन दैट अनअडल्ट्रेटेड भक्ति? वो अब व्यभिचारी भक्ति तो तुमने शुरू की। इट इज सर्टनली यू हु स्टार्टेड इट। पहले से ही द्वापर की आदि से ही भक्ति शुरू की। यू स्टार्टेड भक्ति वेल बिफोर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज इटसेल्फ। तो कहेंगे कि तुमने ही भक्ति बहुत की है ना? सो इट विल बी सेड इट इज इन फैक्ट यू हु हैव डन मोर भक्ति, इजंट इट? है जिसने शुरुआत की तो आदि मध्य अंत वो ही करेगा। द वन हु स्टार्टेड इट हिमसेल्फ विल बिगिन कंटिन्यू एंड एंड इट। ये हिसाब भी तो है ना? दिस इज ऑल्सो अ कैलकुलेशन, इजंट इट? तो फिर जिन्होंने भक्ति जास्ती की है और अब भी विचारी भक्ति की है उनको अब भी विचारी ज्ञान मिलता है। सो दोज हु हैव डन मोर भक्ति एंड हैव डन अनअडल्ट्रेटेड भक्ति रिसीव द अनअडल्ट्रेटेड नॉलेज। और जास्ती ज्ञान मिलता है कि थोड़ा मिलता है? एंड डू दे रिसीव मोर नॉलेज और लेस नॉलेज? जास्ती ज्ञान मिलता है। दे रिसीव मोर नॉलेज। तो ये फल मिला ना? सो यू रिसीव दिस अटेनमेंट डिडंट यू? तो तुमको ऊंचते ऊंच फल मिलता है। यू रिसीव द हाईएस्ट ऑफ द हाई अटेनमेंट। तो तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। सो यू रिसीव द हाईएस्ट ऑफ द हाई पोजीशन। और बाकी जो नंबर वार भक्त हैं एंड द नंबर वाइज डिवोटीज उनको वो मुक्ति धाम में वो जास्ती फल है उनको तो नहीं मिलेगा ना? दे सर्टनली वोंट रिसीव मच अटेनमेंट इन द मुक्ति धाम, विल दे? मुक्ति धाम मीनिंग अबोर्ड ऑफ लिबरेशन। वो तो तुम्हारे मुकाबले जास्ती समय मुक्ति धाम में रहेंगे ना? इट इज बिकॉज दे विल स्टे इन मुक्ति धाम फॉर अ लॉन्गर टाइम कम्पेयर टू यू, वोंट दे? तो तुमको इस दुनिया में बहुत फल मिलता है। सो यू रिसीव अ लॉट ऑफ अटेनमेंट इन दिस वर्ल्ड क्योंकि तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। इट इज बिकॉज यू बिकम द मास्टर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया सतयुग के की त्रेता के। डू यू बिकम मास्टर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड दैट इज द गोल्डन एज और द सिल्वर एज? है हाँ। स्टूडेंट रिप्लाइड यस। कहेंगे सतयुग में भी तो राम का राज्य था ना? इट विल बी सेड देर वॉज द किंगडम ऑफ राम इन द गोल्डन एज एज वेल, वॉजंट देर? राम बाप को कहा जाता है ना? द फादर इज कॉल्ड राम, इजंट इट? तो बाप तो रचयिता कहा जाता है। द फादर इज इनफैक्ट कॉल्ड द क्रिएटर। तो नई दुनिया का रचने वाला मालिक हुआ ना? सो ही इज द मास्टर हु क्रिएट्स द न्यू वर्ल्ड, इजंट ही? तो ये भी हिसाब है ना कि वो अव्वल नंबर भक्त कौन? दिस इज ऑल्सो अ कैलकुलेशन ऑफ हु इज द नंबर वन डिवोटी, इजंट इट? और फिर कौन सी भक्ति की? एंड देन व्हाट भक्ति डिड ही डू? तो कहेंगे व्यभिचारी भक्ति। सो इट विल बी सेड द अनअडल्ट्रेटेड भक्ति। तो फिर बाबा अभी समझाते हैं ना? सो बाबा एक्सप्लेन्स टू अस नाउ, डजंट ही? क्या? व्हाट? है खबरदार रहना। बी केयरफुल। किस बात में खबरदार रहना? बी केयरफुल फॉर व्हाट? घड़ी घड़ी अपन को चेक करना है। यू शुड चेक योरसेल्फ्स एवरी नाउ एंड देन कि कहीं याद मिक्स तो नहीं होती है? डज माई रिमेम्बरेंस बिकम मिक्स्ड? माया याद में बिघन तो नहीं डालती है? डज माया क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन रिमेम्बरेंस? औरों की याद तो नहीं आती है? डू आई रिमेम्बर अदर्स? खबरदार ही रखना पड़ेगा। यू शुड बी केयरफुल विद दिस। और प्रदर्शनी में भी जब समझाते हो एंड इवन वेन यू एक्सप्लेन इन द एग्जीबिशन तो समझाते समय अपनी जांच करते रहो। कीप चेकिंग योरसेल्फ्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग क्योंकि सर्विस के फील्ड में जिनकी सेवा करते हैं इट इज बिकॉज दोज यू सर्व इन द सर्विस फील्ड
उनका संघ का रंग तो लगता है ना। यू आर सर्टनली कलर्ड बाई देयर कंपनी आंट यू। तो अपनी जांच करते रहेंगे। इफ यू कीप चेकिंग योर सेल्फ तो बुद्धि एकाग्र बनी रहेगी। द इंटेलेक्ट विल रिमेन फोकस्ड। और हमें भ्रमित नहीं होगी। इट वोंट बिकम कंफ्यूज्ड विद मैनी। तो इन बातों को जो पूरा भगत होगा वो इन बातों को समझेगा। सो ओनली अ कंप्लीट डिवोटी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कि भक्ति का भी ज्ञान से क्या कनेक्शन है। वॉट कनेक्शन डज भक्ति हैव विथ नॉलेज। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठाएगा है। द वन हु हैज डन अ लॉट ऑफ भक्ति विल ग्रास्प अ लॉट ऑफ नॉलेज। और जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान उठाएगा। एंड द वन हु हैज डन लिटिल भक्ति विल ग्रास्प लिटिल नॉलेज। और जिसने अभिविचारी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी अभिविचारी उठाएगा। एंड द वन हु हैज डन अनअडल्ट्रेटेड भक्ति विल ग्रास्प द अनअडल्ट्रेटेड नॉलेज। क्या और की बातें सुनेगा। और विल ही लिसन टू अदर्स। है औरों की बातों पर उतना ध्यान नहीं देगा। He won't pay much attention to what others say. तो वो पूरा पक्का भगत है तुम्हारी बातों को समझेगा। So that complete firm devotee will understand what you say. बाकी जो कम भगत होगा। As for the rest, the one who is a devotee to a lesser extent. वो तो तुम्हारी अभिविचार की और विविचार की बातों को कम ही समझेगा। Will understand the topics of adultery and purity to a lesser extent. और फिर बुद्धि और लटकती रहेगी। एंड हिज इंटेलेक्ट विल स्टे एंटैंगल्ड इन मेनी। और फिर जो बिल्कुल ही भगत नहीं होगा है तो कितना समझेगा। एंड देन द वन हु इज इन टू डिवोटी एट ऑल हाउ मच विल ही अंडरस्टैंड। और कुछ भी नहीं समझेगा। ये क्या समझाते हैं विविचारी भक्ति या विविचारी भक्ति। ही वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट What they explain about adulterated bhakti and unadulterated bhakti. Vivichari gyan or vivichari gyan. Adulterated knowledge and unadulterated knowledge. Ek ki baaton par dhyan dena chahiye. You should pay attention to what the one says. Aneko anokyon ki batayi hui baaton ke piche nahi bhagna chahiye. You shouldn't go after what many people say. Kam samjhega na. He will understand little, won't he? Student replied, Yes. तो ये बाप ही इशारा देते हैं। सो द फादर अलोन गिव्स दिस हिंट। क्या वॉट। कि अपनी घड़ी घड़ी जांच करते रहो। कीप चेकिंग योर सेल्फ रिपीटेडली। है अपनी भी जांच करते रहो और जो संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं उनकी भी जांच करते रहो। सबकी जांच करते रहो। कीप चेकिंग योर सेल्फ एज वेल एज कीप चेकिंग दोज हू कम इन कॉन्टेक्ट कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। कीप चेकिंग एवरीबडी। क्योंकि जो नॉलेजफुल है तो सभी नॉलेज देता रहेगा ना। इट इज बिकॉज द वन हु इज नॉलेजफुल विल कीप गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज वोंट ही। और बाप तो है ही नॉलेजफुल। एंड द फादर इज सर्टनली नॉलेजफुल। है तो सारा ही ज्ञान देते हैं। ही गिव्स द एंटायर नॉलेज। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते। He gives the entire knowledge of the beginning, the middle and the end of the world. अच्छा मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों के प्रति। अच्छा टू द वेरी स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड दैट इज सिकील दे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। सिकील दे क्यों कहा। वाई वॉज इट सेड सिकील दे। कि बहुत समय से बिछड़े हुए होते हैं तो उनको सिकील दा कहा जाता है। Those who are separated for a long time are called Sikilda. फिर उनसे जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। When he meets them with a lot of love. तो कोई ये दुनिया भी दे अभिमानी बच्चों की बात नहीं है। So, it isn't about the worldly, body conscious children. ये तुम रूहानी बच्चों की बात है। This is about you spiritual children. नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं। द चिल्ड्रन आर नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। तो जो पहले पहले बिछुड़े थे। सो दोज़ हू सेपरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। है पहले पहले बाप से बिछुड़े थे आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल से। व्हेन दे वर सेपरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फादर
द फादर ऑफ द सोल्स द सुप्रीम सोल. तो पहले पहले नई दुनिया में गए थे ना. सो दे वेंट टू द न्यू वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल डिडंट दे. हैं कि बाद में गए. और डिड दे गो लेटर. हाँ उनके मुकाबले और बच्चे हैं वो बाद में जाने वाले. स्टूडेंट रिप्लाइड यस कंपेयर टू देम देर आर अदर चिल्ड्रन हु विल गो लेटर. तो पहले कौन पिछड़ा. सो हु सेपरेटेड फर्स्ट. कहेंगे जो पहले पहले नई दुनिया में कदम रखेगा वो पहले पिछड़े. इट विल बी सेड द वन हु स्टेप्स फर्स्ट इन द न्यू वर्ल्ड सेपरेटेड फर्स्ट. तो ऐसे शिकील दे बच्चों के प्रति रूहानी बाप का. सो टू सच लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन द स्पिरिचुअल फादर्स. और दादा का. एंड दादाज. दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा. व्हाई वाजंट दादा कॉल्ड स्पिरिचुअल. है दादा को रूहानी इसलिए नहीं कहा कि वो सदाकाल रूहानी रहता है क्या. नहीं. दादा वाजंट कॉल्ड स्पिरिचुअल बिकॉज डज ही रिमेन स्पिरिचुअल फॉर एवर. नो. तो दादा है रथ. सो दादा इज द चैरियट. तो रथ द्वारा याद प्यार देते. सो ही गिव्स रिमेम्बरेंस एंड लव थ्रू द चैरियट. और ये रथ कोई घोड़े गाड़ी क्या तो नहीं है. एंड दिस चैरियट इजंट ऑफ अ हॉर्स कैरेज एटसेट्रा. है जो उन्होंने भक्ति मार्ग में अर्जुन का रथ दिखाया है. द चैरियट ऑफ अर्जुन दैट दे हैव शोन इन द पाथ ऑफ भक्ति. उसमें तो उन्होंने घोड़े लगाए दिए. दे हैव टाइड हॉर्सेस टू इट. है हाथी क्यों नहीं लगाया. व्हाई डिडंट दे टाई एन एलिफेंट. है अरे चार हाथी लगा देते. अरे दे कुड हैव टाइड फोर एलिफेंट्स टू इट. वो नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया. दे डिडंट टाई देम. व्हाई डिडंट दे. हाँ क्योंकि हाथी तेज थोड़े ही दौड़ पाता है. स्टूडेंट रिप्लाइड यस इट इज बिकॉज एन एलिफेंट सर्टनली इजंट एबल टू रन फास्ट. तीव्रता भी होता है. नहीं. इज इट अ फास्ट रनर. नो. तीव्रता भी तो घोड़ा ही होता है ना. इट इज ओनली द हॉर्स दैट इज अ फास्ट रनर इजंट इट. यस. तो जो तीव्रधावी आत्माएं हैं जिनका मन रूपी घोड़ा बहुत तीव्र दौड़ता है उनको गाड़ी में दिखाया गया. सो द सोल्स हु आर फास्ट रनर्स दोज हुज हॉर्स लाइक माइंड रन्स वेरी फास्ट आर शोन विद द चैरियट. और वो सब घोड़े नंबर वार हैं. एंड ऑल दोज हॉर्सेज आर नंबर वाइज. है चार घोड़े दिखाते हैं ना अर्जुन के रथ में. फोर हॉर्सेज आर शोन विद द चैरियट ऑफ अर्जुन aren't they? है हाँ तो चारों घोड़े नंबर वार हैं. कोई राइटियस कोई लेफ्टिस्ट. यस सो ऑल द फोर हॉर्सेज आर नंबर वाइज. सम आर राइटियस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ट्री वाइल सम आर लेफ्टिस्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री. यस तो यहाँ है ना. सो दे आर हियर aren't they? क्या व्हाट. यहाँ है वो वास्तव में मन रूपी चैतन्य आत्मा रूपी घोड़े यहाँ है. दे आर प्रेजेंट हियर. एक्चुअली दोज हॉर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सोल्स आर हियर. नहीं aren't they? अरे यहाँ कोई वो गाड़ी वाड़ी नहीं है स्थूल. अरे इट इजंट अबाउट दैट फिजिकल व्हीकल हियर. ये तो शरीर को ही गाड़ी कहा जाता है. दिस बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड अ व्हीकल. रथ कहा जाता है. इट इज कॉल्ड अ चैरियट. यस उन्होंने भी गीता में भी लिखा हुआ है ना शास्त्रों में. दे हैव ऑल्सो रिटन इन द गीता इन द स्क्रिप्चर्स हैवंट दे. क्या वॉट क्या लिखा है याद रहा. वॉट हैव दे रिटन डू यू रिमेम्बर इट. लिखा है भगवत गीता में लिखा है अर्जुन को बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते. इट इज रिटन इन द भगवत गीता. इट वॉज सेड टू अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते. मीनिंग ओ अर्जुन द सन ऑफ कुंती दिस बॉडी ऑफ योर्स इज द फील्ड. आत्मा का ये क्षेत्र है रहने का. दिस इज द फील्ड क्षेत्र ऑफ द सोल टू लिव इन. क्षेत्र माने स्थान. क्षेत्र मीन्स अ प्लेस. तो ये रथ है आत्मा के रहने का स्थान.
सो दिस चैरियट इज द प्लेस फॉर द सोल टू लिव. वो गाड़ी वाड़ी की बात नहीं है. इट इजंट अबाउट दैट व्हीकल एंड सो ऑन. ये तो चैतन्य रथ हुआ ना. दिस इज द लिविंग चैरियट इजंट इट. क्योंकि आत्मा इसको कंट्रोल करती है तो रथ भी चैतन्य है. इट इज बिकॉज व्हेन द सोल कंट्रोल्स इट द चैरियट इज ऑल्सो लिविंग. जब तक आत्मा है तो रथ चैतन्य है. एज लॉन्ग एज द सोल इज प्रेजेंट द चैरियट इज लिविंग. और आत्मा निकल गई तो रथ मुर्दा. एंड आफ्टर द सोल लीव्स द चैरियट इट बिकम्स अ कॉर्प्स. जड़ है या चैतन्य. नॉन लिविंग और लिविंग. रथ. यस द चैरियट. मुर्दा हो जाता है. इट बिकम्स अ कॉर्प्स. तो ये जो रथ है ना है ये मुकर्रर रथ है भागीरथ है. सो दिस चैरियट इज द परमानेंट चैरियट भागीरथ. माने भाग्यशाली मनुष्य है. इट मीन्स ही इज अ फॉर्चुनेट ह्यूमन बींग. क्यों भाग्यशाली मनुष्य है ये. वाई इज ही अ फॉर्चुनेट ह्यूमन बींग. रथ तो सभी मनुष्यों को है ये शरीर रूपी रथ. ऑल ह्यूमन बींग सर्टनली हैव अ चैरियट दिस चैरियट लाइक बॉडी. ये भाग्यशाली क्यों. वाई इज दिस वन फॉर्चुनेट. क्योंकि सुप्रीम सोल बाप आकर के इस रथ में प्रवेश करते हैं ना. इट इज बिकॉज द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स दिस चैरियट आफ्टर कमिंग डजंट ही. स्टूडेंट रिप्लाइड यस. तो इस रथ को चलाने वाले चार घोड़े दिखाए हैं. सो फोर हॉर्सेज आर शोन ड्राइंग दिस चैरियट. चार घोड़े माने. व्हाट डू द फोर हॉर्सेज मीन. ब्रह्मा नामधारी चार दिखाई घोड़े. फोर हॉर्सेज विद द नेम ब्रह्मा आर शोन. तो कहते हैं रूहानी बाप का और फिर दादा का. सो इट इज सेड द स्पिरिचुअल फादर्स एंड देन दादाज. क्योंकि रथ तो दादा का है ना. बाप के पास तो रथ है ही नहीं. इट इज बिकॉज द चैरियट बिलोंग्स टू दादा डजंट इट. द फादर डेफिनेटली डजंट हैव अ चैरियट. तो बाप तो सिर्फ रूहानी है ना. द फादर इज जस्ट स्पिरिचुअल इजंट ही. तो रूहानी बाप का याद प्यार. सो रिमेम्बरेंस एंड लव ऑफ द स्पिरिचुअल फादर. और फिर दादा को रूहानी नहीं कहेंगे. एंड दादा सर्टनली वोंट बी कॉल्ड स्पिरिचुअल. बाकी याद प्यार तो इनका भी है. गुड मॉर्निंग. एज फॉर द रेस्ट दिस वन ऑल्सो गिव्स रिमेम्बरेंस एंड लव गुड मॉर्निंग. तो रूहानी मीठे मीठे बच्चों के प्रति. रूहानी बाप की नमस्ते. सो द स्पिरिचुअल फादर्स नमस्ते दैट इज ग्रीटिंग्स टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही नमस्ते क्यों करता है. वाई डज द स्पिरिचुअल फादर ग्रीट ओनली द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. जिस्मानी बच्चों को क्यों नहीं करता. वाई डजंट ही ग्रीट द फिजिकल चिल्ड्रन. स्टूडेंट रिप्लाइड यस. क्योंकि जो जैसा है वो उसी को पसंद करेगा ना. इट इज बिकॉज समवन विल लव अ पर्सन हु इज जस्ट लाइक हिम. पोंटी आत्मा है तो आत्मा बनेंगे उन्हीं को पसंद करेंगे. व्हेन ही इज अ सोल ही विल लाइक ओनली दोज हु बिकम सोल कॉन्शियस. देवान में रहेंगे है? तो मैं तो देगा नहीं. विल ही गिव इम्पोर्टेंस टू देम इफ दे आर बॉडी कॉन्शियस. नो. तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते. सो नमस्ते ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. बाकी है जो दादा. देर इज दादा लेफ्ट. ये तो देवान में आएगा. इफ ही बिकम्स बॉडी कॉन्शियस तो देवानियों को पसंद करेगा कि नहीं. हाँ. विल ही लाइक द बॉडी कॉन्शियस वंस और नॉट. यस. देवान में आने वाला देवान को चाहेगा. द वन हु बिकम्स बॉडी कॉन्शियस विल लाइक द बॉडी कॉन्शियस वन. ओके ये हमारे संसर्ग संपर्क में आए तो हमारा काम बने. इफ ही कम्स इन माई कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन माई वर्क विल बी डन. वाह वाह मीनिंग वंडरफुल. इट इज लाइक दिस इजंट इट. यस. तो तुम समझाए देना. सो एक्सप्लेन दिस. क्या. वॉट. अगर कोई पूछे तो समझाए देना रूहानी बाप नमस्ते क्यों करते हैं. इफ समवन आस्क्स एक्सप्लेन टू देम व्हाई द स्पिरिचुअल फादर ग्रीट्स द चिल्ड्रन. क्योंकि उनको कोई देह अहंकार है ही नहीं. इट इज बिकॉज ही डजंट हैव एनी बॉडीली ईगो एट ऑल. देह अहंकार न होने की वजह से
है वो खुद झुक के चलते हैं। जो बड़ा आदमी होता है ना है वो फिर नमन करता है। बिकॉज ऑफ हैविंग नो बॉडीली ईगो ही बिहेव्स हम्बली। अ ग्रेट पर्सन बाउज। नम्र होता है। ही इज हम्बल। तो ये समझाया गया ना। सो एक्सप्लेन दिस कि रूहानी बाप क्यों नमस्ते करते हैं, ये जिस्मानी बाप नमस्ते क्यों नहीं करता। वाई डज द स्पिरिचुअल फादर ग्रीट द चिल्ड्रन, वाई डजंट दिस बॉडीली फादर ग्रीट द चिल्ड्रन। झुकता क्यों नहीं है। वाई डजंट ही बाउ। क्यों नहीं झुकता। वाई डजंट ही बाउ। क्योंकि उसको देह है तो देह का अहंकार रहता है। इट इज बिकॉज ही हैज बॉडीली ईगो एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग अ बॉडी। और मेरे को तो देह है ही नहीं तो देह का अहंकार कहाँ से आएगा। एंड आई सर्टनली डोंट हैव अ बॉडी सो हाउ विल आई हैव बॉडीली ईगो। तो बोलते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ही सेज चिल्ड्रन आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो सर्वेंट झुक के रहेगा या अकड़ दिखाएगा। सो विल अ सर्वेंट बाउ और विल ही शो एरोगेंस। है ये शंकर जी का इधर बैठा है। स्टूडेंट रिप्लाइज यस हाउ इज दिस शंकर जी सिटिंग। है अकड़ू भाव पे बैठा है या सीधा साधा नम्रचित होके बैठा है। इज ही सिटिंग इन अ स्टिफ पोस्चर और इज ही सिटिंग इन एन इजी पोस्चर बींग हम्बल। है अकड़ू हाँ होकर बैठा। ही इज सिटिंग इन अ स्टिफ पोस्चर। तो ये दादा हुआ कि नहीं। सो इज ही दादा और नॉट। मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का दादा हुआ कि नहीं बड़े से बड़ा भाई। इज ही दादा द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन द ह्यूमन वर्ल्ड और नॉट। हुआ ना। ही इज इजंट ही। यस तो वाणी तो 67 की है। सो द वाणी इज ऑफ 67। और 67 में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ किसको दादा समझते। एंड होम डिड द ब्रह्मा कुमार कुमारी इज कंसिडर टू बी दादा इन 67। अभी भी समझते हैं। दे कंसिडर हिम टू बी दादा इवन नाउ। किसको। हु। वो समझते हैं ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज वो ही दादा है उसी को ज्यादा अहंकार है। दे कंसिडर ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हिमसेल्फ इज दादा ही अलोन हैज अ लॉट ऑफ ईगो। उन्हें वो ये पता ही नहीं कि दादा लेखराज से भी जास्ती अहंकार किसको। दे जस्ट डोंट नो दैट देयर इज मोर ईगो देन दादा लेखराज इन हु। स्टूडेंट रिप्लाइड यस उससे भी कोई बड़ा है जिसको बाबा कहते हैं। त्रिमूर्ति में एक है ताऊ है और एक है चाचा और एक है। देयर इज समवन हु इज ग्रेटर देन इवन हिम फॉर हुम बाबा सेज देयर इज अ ताऊ इन द त्रिमूर्ति एंड द अदर इज चाचा एंड द अदर इज ताऊ फादर्स एल्डर ब्रदर चाचा फादर्स यंगर ब्रदर। है हाँ ब्रह्मा को टाइटल मिला है प्रजापिता ब्रह्मा का। स्टूडेंट रिप्लाइड यस ब्रह्मा हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से टाइटल मिला ना ओम मंडली में। हाँ ही रिसीव्ड द टाइटल फ्रॉम द फादर इन ओम मंडली डिंट ही। यस तो बाप बोलता है बेहद का बाप। सो द फादर सेज द अनलिमिटेड फादर सेज कि मैं तुम बच्चों को बहुत सुखी करके फिर वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। आई विल सिट इन वानप्रस्थ आफ्टर मेकिंग यूर चिल्ड्रन वेरी हैप्पी। वानप्रस्थ रिटायरमेंट ऑल्सो मीन्स द स्टेज बियॉन्ड स्पीच। क्या वॉट। ऐसे नहीं कि तुमको सिर्फ शांति दे करके बैठ जाऊंगा। इट इज इन दैट आई विल गो आफ्टर गिविंग यू ओनली पीस। शांत स्वरूप आत्मा तुम बन जाएंगे तो बैठ जाऊंगा। नहीं आई विल सिट आफ्टर यू सोल्स बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। नो तुमको इसी जीवन में है बहुत सुख का अनुभव करूंगा। आई विल मेक यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वेरी लाइफ। फिर वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। एंड देन गो एंड सिट इन वानप्रस्थ। कितने सुख का। हाउ मच हैप्पीनेस। कि सत्युग में 16 कला संपूर्ण बनकर के जो पैदा होंगे जो आत्मा है वो तो कलाबद्ध कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगेंगे। द सोल्स हु विल बी बोर्न कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इन द गोल्डन एज विल एंजॉय हैप्पीनेस बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज। और तुम तो कलातीत सुख भोगेंगे ना। तो बहुत सुख हुआ
या कुछ कम हुआ उनके मुकाबले है, कलाबद्ध आत्माओं के मुकाबले। एंड यू विल सर्टेनली एंजॉय हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेलेस्टियल डिग्रीज, वोंट यू? सो इज इट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस और इज इट लेस कम्पेयर टू देम, कम्पेयर टू द सोल्स बाउंड इन द सेलेस्टियल डिग्रीज? बहुत, इट इज अ लॉट। तो फिर वानप्रस्थ में वाणी से परे हो जाते हैं। सो देन ही गोज बियॉन्ड स्पीच इन वानप्रस्थ। हाँ, वाणी चलाना बंद। यस, ही स्टॉप्स नरेटिंग द वाणी। वाणी चलाना बंद तो टीचर का काम करेंगे? व्हेन ही स्टॉप्स नरेटिंग द वाणी विल ही वर्क एज अ टीचर? अरे टीचर को तो क्लास में बोलना पड़ता है ना। अरे अ टीचर नीड्स टू स्पीक इन क्लास, डजंट ही? नहीं। डजंट ही? यस। तो वाणी चलाना बंद। सो ही स्टॉप्स नरेटिंग द वाणी। फिर क्या कहेंगे? Then what will be said? Retirement लिया कि नहीं वाणी चलाने से? Did he retire from narrating the वाणी or not? है? Teacher का काम करने से teacher ने retirement लिया कि नहीं? Did the teacher retire himself from his job or not? Supreme teacher ने retirement लिया कि नहीं लिया अभी? Did the supreme teacher take retirement now or not? 67 में नहीं लिया। He didn't retire in 67. अभी ये वाणी revise हो रही है ना? This one is being revised now, isn't it? हाँ, तो realization course चल रहा है। Yes, the realization course is going on. तो realize हो रहा है। So, are you realizing? क्या? What? Realize नहीं होता कि retirement लिया है कि नहीं? Don't you realize if he has retired or not? है? नहीं लिया? Hasn't he? हाँ, लिया है। Student replied, yes. He has. है? कैसे पता चलता है कि रिटायरमेंट लिया? How do you come to know that he has retired? है? कैसे पता चलता है? How do you come to know? है? लंबा लंबा पता चलता है? Student replied, you come to know it longer? है? वाणी कम चलती है, माने गूंगा हो जाता है। Does the vani become short? Does it mean he becomes dumb? बोलता ही नहीं। Doesn't he speak at all? है? अरे रथ को तो मुख है ना, वो तो बोलेगा ना। अरे द चैरियट सर्टनली हैज अ माउथ, डजंट ही? ही विल सर्टनली स्पीक, वोंट ही? सुप्रीम सोल को रथ नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। द सुप्रीम सोल डजंट हैव अ चैरियट, ही हैज रिटायर्ड। हाँ, मुरली क्या? स्टूडेंट रिप्लाइड, यस। व्हाट मुरली? मुरली चलना बंद। हैज द मुरली स्टॉप्ड बीइंग नरेटेड? है, वाणी में तो बोला है। In fact, it has been said in the vani. क्या ये दादा मुरली नहीं चला सकता? Can't this दादा narrate the मुरली? चला सकता है कि नहीं? Can he narrate it or not? हाँ, ये जिसमानी जो दादा है वो भी मुरली चला सकता है, तो फिर पता कैसे चलता है? Student replied, yes, even this bodily दादा can narrate the मुरली. Then how do we come to know? है? हाँ, स्टूडेंट रिप्लाइड, यस। वाणी का जो एक्सप्लेनेशन है ना नया नया, वो कम निकलता है। द न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाणी रिड्यूसेस। कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता। समटाइम्स द एक्सप्लेनेशन कम्स आउट एंड समटाइम्स इट डजंट। और बाबा जब चलाते थे फिर तो धड़ाधड़ रोज का रोज नया नया क्लेरिफिकेशन सुप्रीम टीचर के द्वारा निकलता ही रहता था। यस, एंड व्हेन बाबा यूज्ड टू नरेट इट, न्यू क्लेरिफिकेशन यूज्ड टू कम आउट कंटिन्यूअसली थ्रू द सुप्रीम टीचर डेली। तो देखो बाबा वानप्रस्थ में बैठ गए। सो लुक, बाबा हैज सैट इन वानप्रस्थ। कहाँ बैठ गए? वेयर डिड ही सिट? अरे वानप्रस्थ में बैठ गए तो कहाँ बैठ गए? अरे वेयर डिड ही सिट इफ ही सैट इन वानप्रस्थ? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार चले गए क्या? नहीं। Did he go beyond the world of the sun, moon and stars? No. हाँ, जो मुकरर रथ है ना, वो मुकरर रथ ही क्या? Student replied, yes, the permanent chariot himself is what? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने? He is परम ब्रह्म। What does परम ब्रह्म mean? बड़े ते बड़ी अम्मा। बड़े ते बड़ी अम्मा माना? The most senior mother. What does the most senior mother mean? अरे छोटी मोटी अम्माएं होंगी तो कम सहन करेंगी। अरे
इफ दे आर जूनियर मदर्स दे विल टॉलरेट लिटिल। और बड़े से बड़ी अम्मा का निशानी क्या? एंड वॉट इज द साइन ऑफ द मोस्ट सीनियर मदर? वो सबसे जास्ती सहन करने वाली। शी इज द वन हु टॉलरेट्स द मोस्ट। तो बताया कि वानप्रस्थ में बैठ जाती है। सो इट वॉज सेड ही सिट्स इन वानप्रस्थ। बेहद का बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी करके बैठ जाते हैं। द अनलिमिटेड फादर सिट्स इन वानप्रस्थ आफ्टर मेकिंग योर चिल्ड्रन वेरी हैप्पी। तो बुखो तो थोड़े ही आकर के मालिक बनते हैं। सो ही हिमसेल्फ सर्टेनली डजंट बिकम अ मास्टर आफ्टर कमिंग। है कि सुख की सृष्टि में आकर के मालिक बनेंगे सुख धाम के? नहीं। सो दैट ही विल कम इन द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड बिकम द मास्टर ऑफ सुख धाम? नो। वो सुख धाम के मालिक नहीं बनते। ही डजंट बिकम द मास्टर ऑफ सुख धाम। तो सुख धाम के मालिक नहीं बनते तो दुख धाम के? इफ ही डजंट बिकम द मास्टर ऑफ सुख धाम डज ही बिकम द मास्टर ऑफ दुख धाम? द अबोर्ड ऑफ सोरो सुख धाम, द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस। न दुख धाम के मालिक बनते न सुख धाम के मालिक। ही नीदर बिकम्स द मास्टर ऑफ दुख धाम नॉर सुख धाम। और तुम बच्चे नंबर बार सुख धाम के भी मालिक बनते हो और दुख धाम के भी मालिक बनते हो। एंड यू चिल्ड्रन बिकम द मास्टर्स ऑफ सुख धाम एज वेल एज दुख धाम नंबर वाइज। बोला भी है। इट हैज ऑल्सो बीन सेड। है ये सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? If the world of happiness is mine, isn't the world of sorrow mine? है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है? If the world of heaven is mine, isn't the world of hell mine? मेरी है मन बनाने वाला कौन हुआ? It's mine means who is the creator? बाप ही हुआ ना। It is the father himself, isn't he? हाँ। Student replied, yes. तो साकार मनुष्य सृष्टि है तो साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है। When the human world is corporeal, the father of the corporeal human world is corporeal. तो तुमको डबल मालिक बनाते हैं। So he makes you double masters. है शांति धाम का भी मालिक बनाते हैं और सुख धाम का भी मालिक बनाते हैं। He makes you the masters of the abode of peace as well as the abode of happiness. और तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। एंड यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो सारे ब्रह्मांड में दुख धाम आता है कि नहीं? सो इज द बोर्ड ऑफ सोरो इंक्लूडेड इन द एंटायर यूनिवर्स और नॉट? है सारे ब्रह्मांड में तो सुख धाम भी आता है शांति धाम भी आता है और दुख धाम भी। स्टूडेंट रिप्लाइड, यस द बोर्ड ऑफ हैप्पीनेस द बोर्ड ऑफ पीस एज वेल एज द अबोर्ड ऑफ सोरो आर इंक्लूडेड इन द एंटायर यूनिवर्स। तो सारे ब्रह्मांड के मालिक। यू आर द मास्टर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो कहेंगे कि विश्व के भी मालिक विश्व धर्मों के भी मालिक। सो इट विल बी सेड यू आर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द मास्टर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बाबा कहते हैं। बाबा सेज मैं तो सुखधाम शांतिधाम और दुखधाम का मालिक नहीं बनता हूँ। I don't become the master of the abode of happiness, the abode of peace and the abode of sorrow. त्रिलोकीनाथ तीन लोगों का नाथ बनता हूँ। Do I become त्रिलोकीनाथ the lord of the three worlds? नहीं बनता हूँ। और तुम? I don't become that. And you? तुम तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तीनों लोगों के अर्थात पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। You become the masters of all the three worlds. Meaning the masters of the entire universe, number wise according to your purusharth. तो देखो बाप अपन से भी ऊंचा बनाते हैं ना। So look, the father makes you higher than even himself, doesn't he? हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? Yes. So what should you do? तो जो बाप हमको इतना ऊंचा बनाते हैं। The father who makes us so high. उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। We should follow his श्रीमत, shouldn't we? नहीं चलना चाहिए। Shouldn't we follow it? चलना चाहिए। Student replied, yes, we should follow it. ओम शांति। ओम शांति।